हाय दोस्तों, छवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 40 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान का आधार माने जाते हैं। ये बेसिक नॉलेज है जो आपको जानना अति आवश्यक है। तो हम क्वेश्चंस देखेंगे। पहला है, मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, वो है विलियम जेम्स। दूसरा है, मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने माना? वॉटसन ने। मनोविज्ञान अध्ययन है, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। चौथा है, साइकोलॉजी शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी आत्मा का अध्ययन करना। शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है महात्मा गांधी जी ने। सिक्स क्वेश्चन पे आएंगे हम। मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले विद्वान कौन थे? वो थे पोम्पोनोजी। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना? वो है वुंट, वाइवस और जेम्स ने। आपको ध्यान रखना है, चेतना शब्द की निंदा किस पुस्तक में की गई है? तो आपको ध्यान रखना है, पुस्तक का नाम है आउटलाइन साइकोलॉजी, जो कि मैकडूगल द्वारा रचित है। उसमें चेतना शब्द की निंदा की गई है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? वुंट, जिन्होंने पहली प्रयोगशाला लिपचिंग शहर में अपनी प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, वो थे वुंट। वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है व्यवहार का विज्ञान। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, फ्राइड। ठीक है। मानसिक प्रशिक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान कौन थे? वो थे साइमन बिने। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है, शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल देना। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, यह परिभाषा किसने दी? ये मन द्वारा दी गई। मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से। आपको ध्यान रखना है, किस भाषा से हुई है साइकोलॉजी की? ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंधित है सीखना। मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान माना है जेम्स ड्रेवर ने। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है का कथन किसने दिया था? वेलेंटाइन ने। मनोविज्ञान वैधायिक विज्ञान है। मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है मानव, जीव जंतुओं और संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार का जन्मदाता किसे माना जाता है? वॉटसन को। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? रूसो ने। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ये कथन किसका है? स्किनर का। कॉल्स सैनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किसे मानते हैं? प्लेटो से। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, किसने कहा? मैकडूगल ने। आपको ध्यान रखना है, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां दी है। शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया? ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अमरीकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जून स्टेन ले हॉल टर्मन आदि के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान ने
1920 ईस्वी में स्पष्ट व निश्चित स्वरूप धारण किया। आपको ध्यान रखना है मनोविज्ञान की शुरुआत 1900 ईस्वी के अंदर हो चुकी थी, लेकिन स्पष्ट व निश्चित स्वरूप धारण किया था 1920 ईस्वी में, और भारत में हुआ था 1930 ईस्वी के अंदर भारत में शुरुआत हुई थी। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। बाल केंद्रित मूल्यांकन और पाठ्यक्रम में शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है, मूल प्रवृत्तियों का, अनुशासन और अधिगम का। शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है बालक। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है। ये किसने कहा? कुप्पू स्वामी ने। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वैज्ञानिक। शिक्षा में बालक का संबंध किससे होता है? शिक्षक, विषय वस्तु और समाज से। ध्यान रखना है आपको, शिक्षक, विषय वस्तु और समाज। शिक्षक मनोविज्ञान का उपयोग किसके लिए करता है? स्वयं, बालक और अनुशासन के लिए। मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? छात्र और शिक्षक। आपको ध्यान रखना है मूल्यांकन की आवश्यकता शिक्षक के लिए भी आवश्यक है और बालक के लिए भी आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे वह अपने प्रशिक्षण को प्रभावी बना सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षक, छात्र और अभिभावक। अध्यापक वही सफल है जो बालकों की रुचि को जानता हो। कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार होगा निदानात्मक। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करती है। ये कथन है क्रो एंड क्रो का। शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए मूल्यवान है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है उसके विद्यार्थी के बारे में ज्ञान मिलता है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन है स्किनर का। तो ये 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और करीब करीब इसमें से आपके एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो आपको इन 40 क्वेश्चनों का आधार जानना है, ये शिक्षा मनोविज्ञान का आधार है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।